नमस्कार, जीरो पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा पाठक। तमिलनाडु के कुंजालौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जी हां, दरअसल यहां एक दूल्हे ने दुल्हन को तमाचा कस दिया और जब वो अपने कजिन के साथ डांस कर रही थी, ये बात उसे इतनी बुरी लग गई कि उसने तमाचा कस दिया। इसके बाद से वो इतनी बात बिगड़ती चली गई कि दुल्हन और उसके परिवार के लोगों ने शादी कैंसिल ही कर दी। दरअसल 19 जनवरी को शादी की एक रस्म के दौरान दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में डांस कर रहे थे। इस दौरान दुल्हा को कजिन और वहाँ पर लोगों के साथ डांस करते हुए देखा। साथ ही इसी दौरान उसके कज़न भी आ गए, उसके साथ डांस करने लगे। लेकिन ये बात दूल्हे को अच्छी नहीं लगी और थोड़ी ही देर बाद कज़न ने जाने का इंतज़ार करता रहा और फिर गुस्से में दुल्हन को तमाचा कस दिया। दुल्हन को बुरी लग गई ये बात दुल्हन और परिजनों को अच्छी नहीं लगी। सभी रिश्तेदारों के सामने दुल्हन पर हाथ उठाया, उसने किसी का भी लिहाज नहीं किया। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि लड़के की शिकायत दर्ज कर ली गई है, लेकिन उस पर भी दुल्हन को तमाचा मारने का आरोप लगाया गया है। जांच पड़ताल की जा रही है। अगले ही दिन चचेरे भाई से शादी रचा ली लड़की ने। जी हाँ, लड़की के पिता और अपने बेटी की शादी उसके चचेरे भाई से करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी घर वालों ने रजामंदी कर दी। लड़की इसके लिए तैयार हो गई और दोनों की शादी करा दी गई। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ जीरो पॉइंट में। नमस्कार।